दूसरा ब्रांच के जो रेंटल्स और बाकी जो फिनेंशियल्स होते हैं वो जमा नहीं हो रहे, इस वजह से ब्रांचेस बंद हैं। तो वो कब से खुलेगा ये बताइए आप। सर मैं वही चीज पेमेंट बोल रहा हूँ। कैसे आप कैसे खुल कैसे जाएगा बताइए मुझे, कैसे खुल क्या जाएगा ब्रांच, कैसे खुल जाएगा पेमेंट्स होंगी ब्रांच तो खुलने के पेमेंट्स लिए? रिलीज होंगी, पेमेंट्स रिलीज होंगी तो ब्रांच खुलेगा सर नहीं। सिर्फ पेमेंट की बात आप कर रहे हैं, सिर्फ पेमेंट की बात नहीं है सर। आज आज जिस ब्रांच को बंद करवाया हाँ गया है, आप पता लगा लीजिए कि बिहार यूपी झारखंड में बहुत सारे बाहुबली लोगों ने भी बंद करवाया है। आप बोल रहे हैं कि प्रूफ चाहिए, उसका भी प्रूफ है, बहुत सारे बाहुबलियों ने बंद करवाया है, चाबी लेके निकल गए, चाबी उनके पास है। कन्हैया जी, एक 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 बात मुझे बताइए, लोग इतने पावरफुल हो गए कि सहारा का ब्रांच बंद करवा रहे हैं, लोग इतने पावरफुल हो गए सहारा का ब्रांच बंद करवा रहे हैं बिहार यूपी में, बाकी जगह पे जो आप क्लेम कर रहे हो कि 14 स्टेट में अभी भी रनिंग है, तो वहां क्यों नहीं बंद हो रहा। वहां भी बंद 2020 है, में वहां भी पूर्णा जी बंद सर, 2020 में कोई बात डिपॉजिट किए हैं, आप पूर्णा जी वहां भी 2020 में डिपॉजिट किए हैं, हमारे साथ पैनल पे बैठे हुए हैं। 2020 की बात नहीं है सर, आज भी काम चालू है, लेकिन ब्रांच चालू रखने के लिए जो माहौल होना चाहिए वो माहौल है क्या? हर जगह केस हो रही है, जहां हम लोग बैठे हैं वहां भी हो रही है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही है, वहां भी आंदोलन हो रहा है, अच्छा, आपकी हर बात जगह मान आंदोलन लिया, हो माहौल रहा है कि माहौल माहौल बहुत खराब है, माहौल बहुत खराब है, ये बात मान लिया आपका। आप मुझे ये बताइए माहौल ठीक कैसे होगा, ये क्या क्या इसका एक सोल्यूशन, सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच, मुझे मुझे लंबा चौड़ा भाषण नहीं चाहिए, मुझे एक सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच बताइए कि माहौल पूरा एमिकेबल हो ताकि देखिए ब्रांचेस खुल जाए, वो क्या होना चाहिए बताइए। जो आज माहौल को खराब किए हैं, जो आज आंदोलनकारी बने हुए हैं, जो भुगतान को लेकर के क्रांति कर रहे हैं और अपना एक एजेंडा क्रिएट कर लिए हैं, वो हमारे साथ आए और ब्रांच खुलवाएं, आइए लगाएं कि हाँ हम ब्रांच खुलवाना चाहते हैं, हम ब्रांच से भुगतान लेना चाहते हैं, तुरंत सोल्यूशन निकल जाएगा। सबको बोलिए कि सब आइए एक प्लेटफॉर्म पर, सब ब्रांच खोलने की बात करिए, आइए सुप्रीम कोर्ट पे चलते हैं, सब लोग आइए लगाते हैं कि सर ब्रांच से भुगतान होना चाहिए, होटल से नहीं होना चाहिए, ब्रांच को खुलवा दिया जाए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाए, सॉल्यूशन निकल जाएगा। जहां तक फंड का सवाल है, तो फंड आज भी मैं बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि 40,000 करोड़ की लिक्विडिटी के रूप में जहां जहां पर पड़ा हो, वहां पर 40,000 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इनको जितना बोलना है बोलने दीजिए कि 2.5 लाख करोड़, मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ, अगर 40,000 करोड़ सही ढंग से बट गया तो सर मार्केट में आपको एक आदमी भी ये नहीं बोलने के लिए आएगा कि मेरा पैसा बाकी है। 40,000 करोड़ सही ढंग से अगर बट गई तो एक आदमी भी सामने खड़ा होकर के ये नहीं बोलने वाला है कि हमारा पैसा बाकी है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। और ये माहौल चालीस तभी क्रिएट होगा, आपके हिसाब से 36,000 करोड़ बाकी है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मेरा कहने का मतलब यह है कि 40,000 करोड़ अगर सही ढंग से बट गई तो आपको एक भी व्यक्ति ये कंप्लेन करने के लिए नहीं आएगा कि मेरा पैसा बाकी है। आप 40,000 करोड़ पहले बंटवाइए, 40,000 करोड़ को बंटने दीजिए, ऑफिस खुलवाइए, ऑफिस खुलने दीजिए, लेकिन ये भुगतान क्रांति गणेश वाले जी, नहीं करवाना, नहीं करवाएंगे। गणेश जी कुछ कह रहे हैं, गणेश जी कुछ कह रहे हैं, गणेश जी कन्हैया शाह जी, अभी आपने कहा कि फंड हमारे पास तैयार हैं, तो मैंने मेरी विपदा आपको बताई थी। मेरा ब्रांच भी खुला है, मेरा मदर ब्रांच भी खुला है, मेरा जॉन ऑफिस भी खुला है, फिर भी मुझे क्यों नहीं मिल रहा है पेमेंट, जरा बताइए सर। तो चलिए ना सर, आइए लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट में 40,000 करोड़ पेमेंट करने का, वहां से हम लोग परमिशन लेते हैं। 40,000 करोड़ सहारा के जेब में नहीं है, वो आपको मालूम है कि कहाँ है। 40,000 करोड़ लिक्विडिटी का मतलब यह है कि कस्टमरों को देने के लिए जो फंड इकट्ठा किया गया है 40,000 करोड़, उसको बंटवाने की प्रयास किया जाए, सहारा के जेब में नहीं है। तो अभी तक ये प्रयास क्यों सर ये नहीं प्रयास किया कौन करेगा, प्रयास कौन करेगा, आप 2 कदम आगे बढ़ाइए, हम 4 कदम आगे बढ़ा जी, देंगे। एक मिनट कन्हैया जी, अभी तक ये प्रयास क्यों नहीं किया गया था। सहारा ने क्या प्रयास नहीं किया है? क्या सहारा का प्रयास जारी नहीं है? अगर सहारा का प्रयास जारी नहीं होता तो क्या कुछ लोगों का जो अभी 500-700 करोड़ बटे हैं क्या बढ़ जाते? क्या आज भी ब्रांच में भुगतान जहां पर कैपेबल है वहां नहीं हो रहा है? जो ब्रांच कलेक्शन कर रहा है क्या नहीं कर रहा है?
आज भी आपको 100 में से दो चार ब्रांच मिल जाएंगे जहां पे हो रहा है। 2022 तक जब हाईकोर्ट का, दिल्ली हाईकोर्ट का स्टे नहीं लगा था तो ब्रांच चल रही थी कि नहीं चल रही थी, भुगतान हो रहा था कि नहीं हो रहा था, परिस्थिति खराब हुआ भुगतान को लेकर के। हाई कोर्ट का स्टे क्यों लगा था सर? अगर हाई कोर्ट का स्टे लगा था तो वो हाई कोर्ट का स्टे हट भी जाता, सिर्फ 260 करोड़ की भुगतान। अरे यार सिर्फ 260 करोड़ हाई कोर्ट का स्टे क्यों लगा था? मैं वही बोल रहा हूँ सर, मुझे बोलने का मौका नहीं देंगे आप, बार बार खाली क्वेश्चन करेंगे तो सर मैं कैसे बोलूंगा। अगर हाईकोर्ट का, अगर दिल्ली हाईकोर्ट का स्टे का ऑर्डर आया था तो सिर्फ 260 करोड़ की भुगतान थी उस समय, 5787 5787 कंप्लेन था और उसका टोटल अमाउंट था 260 करोड़। हम 260 करोड़ का भुगतान करके हम हमारा स्टे हटा लेते, लेकिन उसके बाद क्या हुआ भुगतान क्रांति दर, इसलिए मैं बोलता हूं कि इसमें भी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। क्या 260 करोड़ सारा पेमेंट नहीं कर सकता था? 5000 करोड़ वही सीआरसीएस जो 260 करोड़ के लिए स्टे लगा दिया, बंद करवा दिया, आदमी उसके पास 5000 करोड़ पड़ा है लेकिन वो नहीं बोल रहा है कि हमें नहीं खोल देंगे। 260 करोड़ के लिए बंद करवा दिया गया, 5000 करोड़ उसके पास पड़ा है फिर भी एनआई नहीं खुलवा रहा है। अब देख लीजिए कि क्या है, सीआरसीएस के पास 5000 करोड़ है। आप सर सीआरसीएस के पास 5000 करोड़ है ना, कोर्ट को अप्रोच क्यों नहीं कर रही थी? सहारा कब कब कोर्ट को अप्रोच नहीं कोई सकती सर, हम तो हमेशा तो कोर्ट को ही अप्रोच करते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे एक चीज कनाई जी सॉरी, मैं इन सब चीजों में थोड़ा एक लेमैन हूँ, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि 260 करोड़ की देनदारी थी इसलिए स्टे लगाया गया, आपके पास में वो पैसे थे तो आप कोर्ट को अप्रोच करते कि मैं देना चाह रहा हूँ पैसा, तो कोर्ट मना कर देती आपको कि मत दो? सर जब दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा स्टे लगाया गया 22 मार्च 2022 को, सहारा ने अप्रोच किया कि भाई हमारे पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, 25000 करोड़ का फंड सेबी के पास पड़ा है, सेबी नहीं दे रहा है, अगर आप कुछ हमें टाइम दीजिएगा, अगर एनआई बंद कर दीजिएगा तो हम और नहीं दे पाएंगे, हमारा एफिडेविट लगा हुआ है, बोलिए तो मैं भेज देता हूँ एफिडेविट, आप देख लीजिए उसको। लेकिन उस पर सुनवाई नहीं की गई, अगर आप एनआई बंद कर दीजिएगा तो भुगतान और भी नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारा जो लिक्विड मनी है जो 25000-24000 करोड़ वो सेबी के पास पड़ा है, ये एफिडेविट लगाया गया था। आज जो सिर्फ सहारा को ही ब्लेम किया जाता है कि सहारा ने कोई कोशिश ही नहीं किया, ये बिल्कुल गलत है।